नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जिनको ये दिक्कत आ रही है कि उनके शॉर्ट्स चैनल पर पहले 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 व्यूज़ आते थे, लेकिन अब जो है उनके चैनल पर व्यूज़ एकदम से रुक से गए हैं, उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आने एकदम रुक से गए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जिनके वीडियोज़ पर 400, 500, 200, 300 या 10, 15, 20, 50 व्यूज़ आते हैं और उसके बाद वो व्यूज़ रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। एवरेज व्यूज़ के बाद उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके वीडियोज़ पर 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज़ आते हैं, हर वीडियो पर उनके 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज़ होते हैं, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटर परेशान हैं। तो आप सबकी परेशानी का हल लेकर के आ गया हूँ मैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, कहीं पर भी मत छोड़िएगा। और वीडियो अगर आपको कहीं पर भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके उसी के जस्ट बगल में दी गई बेल आइकन को टर्न से दबा दीजिएगा और उसको ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दो सवाल मेरे पास आ रहे हैं काफी दिनों से और बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान भी हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि शॉर्ट वीडियो पर पहले 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक व्यूज पहुंच जाते थे, लेकिन अब व्यूज आने बंद हो गए हैं, व्यूज एकदम से रुक गए हैं। मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस डाल चुका हूं, लेकिन मेरी वीडियो पर उतने व्यूज आना भी संभव नहीं हो पा रहा है। जो पहले 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज आते थे, अब उतने भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं मेरा चैनल गड़बड़ तो नहीं हो गया है, कहीं कोई ऐसी सेटिंग तो नहीं बिगड़ गई है, या फिर कहीं मेरा चैनल डेड तो नहीं हो गया है, या मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं, कौन सी ऐसी मिस्टेक हो रही है मुझसे जाने अनजाने में कि मेरे वीडियोस पर व्यूज आने बंद से हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, लोगों का माइंड पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, पूरी तरीके से आप कंफ्यूजन से दूर हो जाइए कि कहीं भी आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। ये सभी के साथ हो रहा है, अधिकतर शॉर्ट क्रिएटर्स के साथ ये हो रहा है कि उनके वीडियोस पर, उनके शॉर्ट वीडियोस पर पहले 10,000, 15,000, 20,000 या 1,00,000, 2,00,000 व्यूज आते थे, लेकिन इस समय सभी शॉर्ट क्रिएटर्स के शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज आने रुक से गए हैं, बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं। इस वजह से आप एकदम मत घबराइए, पेशेंस रखिए और नई नई वीडियोस बनाते रहिए, नए नए इन्वेंशंस करते रहिए, नए नए टॉपिक्स लेकर के आते रहिए, नए नए थीम्स लेकर के आते रहिए, नए नए स्टोरीज लेकर के आते रहिए, अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट करते रहिए। ठीक है, पता नहीं आपकी कौन सी वीडियो चल जाए और वो आपको राजा बना दे। तो आप लोग जिनको ये समस्या थी कि उनके वीडियोस पर पहले 1,00,000, 2,00,000 या 50,000, 60,000 व्यूज आते थे, लेकिन अब व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए, पेशेंस रखिए, कुछ दिनों बाद आपके वीडियोस पर व्यूज आना फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएंगे। बस आप नई नई वीडियोस डालते रहिए, अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट करते रहिए और जिस कैटेगरी पर आप काम कर रहे हैं उसी कैटेगरी को पकड़ करके चलिए। चैनल पर खिचड़ी मत पकने दीजिए, कोई भी मिक्स कंटेंट मत डालिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हमारी वीडियोज पर 50 व्यूज, 100 व्यूज, 200 व्यूज, 500 व्यूज या 1,000, 2,000 व्यूज का जो एवरेज बन गया है, उसके ऊपर हमारी वीडियो नहीं बढ़ पाती है। अगर हमारी वीडियो पर 2,000 व्यूज आते हैं तो उन 2,000 व्यूज का एक एवरेज बन गया है, हमारी वीडियो 2,000 व्यूज के ऊपर नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने चैनल पर कुछ अलग हट करके करना होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढिए, कुछ ऐसी स्टोरीज ढूंढिए, कुछ ऐसे थीम्स ढूंढिए जो आपकी ऑडियंस देखना पसंद करती है, जो अन्य चैनल पर ऑडियंस जाकर के देख रही है, वैसे ही कुछ स्टोरी आप अपने चैनल पर क्रिएट करिए, वैसे ही कुछ शॉर्ट्स आप अपने चैनल पर क्रिएट करिए। कॉन्टेंट कभी भी मिक्स मत करिए, जिस कैटेगरी को आप लेकर के चल रहे हैं उसी कैटेगरी को आप लेकर के चलिए, आपके चैनल पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जो YouTube की सेटिंग्स होती हैं उनको आप फॉलो करिए, जो जो चीज़ें हम लोग आपको बताते हैं या हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि टैग कैसे लगाना है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए और वीडियोस बनाते रहिए। कोशिश ये करिए कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से वीडियो लेकर के आइए कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, देखिए कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो दूसरी जगह पर जाकर के कैसे वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं, किन वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, किन वीडियोस पर ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। तो वैसे ही स्टोरी आप भी क्रिएट करिए, वैसे ही थीम आप भी क्रिएट करिए, वैसे ही वीडियोज आप भी क्रिएट करिए, तो जो ऑडियंस वहां पर जाकर के देख रही है वो आपके पास भी धीरे धीरे कन्वर्ट होगी और जो आपके एवरेज व्यूज बने हुए हैं 100, 200, 500, 50, 1,000, 2,000, तो इससे ऊपर आपकी वीडियो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपकी वीडियो होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस का पूरा पूरा रिस्पांस आपको मिले। रिस्पांस का मतलब ये होता है कि ऑडियंस आपकी वीडियो को लाइक करे, डिसलाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। जब ये सारी चीज़ें आपके वीडियोज़ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी, जब इनकी तादाद आपके वीडियोज़ पर बढ़ जाएगी, तो
तो आपकी वीडियोस खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की वीडियोस डिमांड कर रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नेसेसिटीज़ है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। लोग जरूर आपकी वीडियो देखेंगे और आपका चैनल भी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी में एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरे व्यूज़ एकदम फ्रीज हो गए हैं या फिर एक एवरेज व्यूज़ के ऊपर मेरी वीडियो नहीं बढ़ पा रही, तो उनके लिए एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूट्यूब ने एक अपडेट निकाला था कि अगर कोई भी बंदा यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक सर्च करता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग वीडियोज़ के साथ साथ शॉर्ट वीडियोज़ का सेक्शन भी आ जाएगा। जितनी भी शॉर्ट वीडियोज़ उस टॉपिक पर बनी होंगी वो भी वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपका कोई ऐसा चैनल है जिसमें आप एजुकेट करते हैं लोगों को, एजुकेशन वगैरह का चैनल है, तो अगर कोई भी बंदा यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो सर्च कर रहा है तो वहां पर अगर आपने शॉर्ट वीडियो कोई बना करके डाली है या आप डालते हैं तो आपकी वीडियो भी वहां पर दिखाई जाएगी उस बंदे को, और अगर वो इच्छुक होगा तो वो लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट वीडियो को भी क्लिक करके देखेगा। इसलिए आप लोग सर्चेबल टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आने लगे, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हो जाए और आपकी वीडियो खुद ब खुद आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी शॉर्ट वीडियो नहीं चल रही है तो किस तरीके से आप उसके अंदर पेट्रोल डाल सकते हैं, किस तरीके से आप अपने शॉर्ट चैनल को बूस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी यूट्यूब की सेटिंग होती है या जो भी चीजें बारीक चीजें हम लोग आपको बताते हैं या हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि टाइटल कैसे लिखो, टैग कैसे लिखो, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखो, तो वो सब यूं ही नहीं चिल्लाते हैं, वो सब पागल नहीं है, उसका कहीं ना कहीं एक रोल होता है। इस वजह से आप लोग टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह जितना भी चीज़ें होती है वो प्रोसेस पूरी तरीके से फॉलो किया करिए और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। वीडियो डेड श्योर है, 100% है कि चलेगी ही चलेगी, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।